T20 24 देख रहे हैं आप। अयोध्या राम जन्मभूमि निर्माण कार्य को लेकर करोड़ों राम भक्तों के इंतजार की घड़ी अब समाप्त होने वाली है। भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य लगभग पूरा हो चुका है। वहीं ट्रस्ट की तरफ से साफ कर दिया गया है कि जनवरी 2024 मकर संक्रांति के बाद यानी 15 जनवरी से 24 जनवरी के बीच जो भी शुभ तिथि होगी उसी शुभ मुहूर्त में रामलला अपने गर्भगृह में विराजमान होंगे। बता दें कि सभी निर्माण कार्य अक्टूबर तक और अन्य सभी कार्य दिसंबर माह तक पूरे कर लिए जाएंगे। वहीं मंदिर के निर्माण की बात करें तो पूरा मंदिर 3 तल का होगा। आपको बता दें कि ये पूरा जो मंदिर है 3 तल का होगा और ये अक्टूबर तक अन्य सभी कार्य जो है वो दिसंबर माह तक पूरे हो जाएंगे। वहीं भूतल का गर्भगृह होगा और प्रथम तल पर रामलला का परिवार स्थापित होगा। अभी द्वितीय तल खाली रखा गया है। वहीं ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि मंदिर निर्माण में अभी तक 21 लाख घनपुर ग्रेनाइट और मार्बल लगाया जा चुका है। गर्भगृह में जो मूर्ति की प्रतिष्ठा होगी वो भगवान का बालक रूप है, 5 वर्ष का बालक। प्रतिमाओं का निर्माण अयोध्या में शुरू हो गया है। मंदिर में दरवाजों की लकड़ी, मंदिर की चौखट मार्बल की है, लेकिन उसके दरवाजे किवाड़ वो लकड़ी महाराष्ट्र की है। उसके नक्काशी का काम भी अयोध्या में प्रारंभ हो गया है। भूतल जहाँ बालक रूप में राम विराजित होंगे, ये सारे निर्माण कार्य ऐसा लगता है अक्टूबर तक हम पूरा कर लेंगे। छोटी मोटी बातें बची रहेंगी, उसे आप फिनिशिंग टच कह सकते हो, वो दिसंबर तक पूरा हो जाएगा। मकर संक्रांति 15 जनवरी 2024 और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, तो 26 जनवरी 25 जनवरी छोड़ दिया जाए, 15 जनवरी से 24 जनवरी के बीच में जो भी तिथि उपयुक्त पाई जाएगी, भगवान की प्राण प्रतिष्ठा उस दिन हो जाएगी। पहले तल पर भगवान का परिवार स्थापित होगा। अभी तक की योजना में दूसरे तल पर किसी भी प्रतिमा का निर्माण नहीं है, वो केवल मंदिर को एक ऊंचाई देने के लिए किया गया है। जब बहुत बारीक गणना हो जाएगी तो पता लगेगा, लेकिन अभी ऐसा कह सकता हूं कि 21 लाख घन फुट ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और मार्बल इस मंदिर में उपयोग हो रहा है। मंदिर का एक एक आयाम, एक एक अंग इस प्रकार से बनाया जा रहा है, उसे लगभग 1000 साल तक कोई रिपेयर की आवश्यकता न पड़े।